दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इस रेड बटन पर क्लिक करने के बाद इसके बराबर में बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए, जिससे हमारी सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल विशाल ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल से ही आधार कार्ड को डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। इसके लिए दोस्तों, आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं अपने क्रोम ब्राउज़र को पहले से ही ओपन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपको URL बॉक्स में एक वेबसाइट को सर्च करना होगा, जिसका नाम है eAadhar.uidai.gov.in। दोस्तों, आप इसको स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, आपको इसको सर्च करना है। तो मैं इसको सर्च कर देता हूँ। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दे रहा हूँ, आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, वरना आप इसमें कुछ मिस्टेक करेंगे तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों, जब आप इस वेबसाइट को सर्च करते हैं तो यहाँ पर इस तरह का ये पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो जब दोस्तों यहाँ पर जो है इस तरह का पेज ओपन होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये मिलेगा, आई हैव एनरोलमेंट ID। तो दोस्तों, अगर आपके पास आधार कार्ड की स्लिप है तो आपको यहाँ पर जो है आधार कार्ड का नंबर डालना होगा। यहाँ पर टाइमिंग आती है। अगर आपके पास आधार कार्ड की स्लिप नहीं है और आपके पास आधार कार्ड का नंबर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो अगर आपके पास इनरोलमेंट ID है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और नहीं है, आधार कार्ड का नंबर है तो आधार कार्ड के नंबर पर यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर जो है अपने आधार कार्ड का नंबर पूरा डालना है। इसके बाद दोस्तों, आपको अपना फुल नेम देना है जो आपके आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपना पिन कोड, आपने आपके सिटी का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जो है ये जो इमेज दिख रही है कैप्चर कोड, यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद दोस्तों, जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा गेट वन टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पर एक OTP कोड आएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर टिक लगाना है। इसके बाद उस OTP कोड को आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली वैलिडेट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल में एक PDF फाइल डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, जब वो PDF फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद आपको उसे ओपन करना है। जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो आपसे आपका पिन मांगेगा। तो दोस्तों, पिन में आपको अपने शहर का पिन कोड डालना है जो आपने यहाँ पर फिल किया है। इसके बाद वो फाइल जो है आपकी ओपन हो जाएगी। इसके बाद आप उस फाइल को अपने पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड में करने के बाद किसी पास की फ़ोटो स्टेट की शॉप पर उस कलर फोटो से उसके कलर फोटो को भी निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप बहुत ही सस्ते में, यानी कि 5-10 रुपये में आपका आधार कार्ड निकल जाएगा, और वो भी अपने मोबाइल से। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही अच्छी है। मैं आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर ये आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे दोस्तों हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।